एपिसोड 161 स्टार। क्या तुम पागल हो? हम लड़के थोड़ी ना हैं जो तुम मुझे ऐसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर रही हो। वो लड़की अब काफी डर चुकी थी, क्योंकि उसे डर था कि तनुजा एक बार फिर कुर्सी से उस पर वार करेगी। इसलिए वो वहाँ से उठने की कोशिश करते हुए कहती है, मेरी मदद करो। जो कोई भी इसकी मदद करने की कोशिश करेगा ना, मैं उसे भी मार दूंगी, तनुजा सबको धमकाते हुए कहती है। उन सब लड़कियों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उठकर आगे जाने की और उस लड़की की मदद करने की। वो सब बस एक दूसरे को आगे धक्का देने लगी थीं। तनुजा उस जमीन पर गिरी लड़की की तरफ इशारा करके कहती है, अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझसे और पंगे लेना चाहती हो या फिर नहीं, इस मैटर को बढ़ाना चाहती हो तुम या नहीं, ये सब तुम्हारे हाथ में है। अच्छा ठीक है, मैं ही गलत थी, मुझे ऐसे शिवानी को परेशान नहीं करना चाहिए था। वो लड़की तनुजा से माफी मांगते हुए कहती है, क्योंकि अभी तक उसे इस बात का अच्छे से एहसास हो चुका था कि कोई भी अब उसे बचाने वाला नहीं था। तुम में से कोई भी अब शिवानी को परेशान नहीं करेगा। तनुजा उन सब लड़कियों की तरफ देखते हुए उस कुर्सी को जमीन पर पटक देती है। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगी अगर किसी ने शिवानी को अब हाथ भी लगाया तो। तुम लोग ज्यादा मानसी के बिहाफ पर इंसाफ पाने की कोशिश ना ही करो तो तुम सबके लिए बेहतर होगा। वो नहीं आएगी तुम्हें बचाने। ये कहकर तनुजा शिवानी की मदद करने लगती है उठने के लिए, और इसी के साथ वो वहाँ से बाहर जाने लगती है कि तभी अचानक उसे दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ नजर आता है। दिलप्रीत, एक लड़की कहती है। तनुजा भी हैरान थी, वो सोच में पड़ गई कि न जाने वो वहाँ कब से खड़ा था। तनु, मैं तो तुमसे काफी इम्प्रेस हो गया हूँ, दिलप्रीत तनुजा से कहता है और फिर उन लड़कियों की तरफ मुड़कर कहता है, क्या सही तमाशा किया है तुम सबने आज। मैं प्रिंसिपल को जरूर बताऊंगा कि कैसे तुम सबने इन दो लड़कियों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हॉल में खड़ी लड़कियां सभी हैरान थीं। दिलप्रीत की पॉपुलैरिटी देखते हुए प्रिंसिपल उसे बेहद पसंद किया करता था। अगर सच में उसने उन्हें बता दिया तो उन लड़कियों का फ्यूचर खराब तो होना तय ही था। प्लीज नहीं, ऐसा मत करना, एक लड़की आगे आकर कहती है। दिलप्रीत प्लीज उन्हें मत बताना, ये सब तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम दोबारा कुछ ऐसा नहीं करेंगे। अपना प्रॉमिस याद रखना। अब दिलप्रीत अपना फोन हिलाते हुए कहता है, मैंने अब रिकॉर्ड कर लिया है, अगर ये सब दोबारा हुआ तो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा ये वीडियो। हम सब आर्ट स्कूल में हैं, मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारा करियर खराब करने पर मजबूर हो जाऊं। उसकी बात खत्म होते ही वहां मौजूद सभी लड़कियां काफी ज्यादा डर चुकी थीं। अब अपना मुंह बंद करो और शिवानी के साथ अपनी रिहर्सल करो, और अगर अब कुछ भी किया ना तो तनुजा की जगह मैं खड़ा होऊंगा तुम्हें सबक सिखाने के लिए, दिलप्रीत गुस्से में कहता है। उस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही दिलप्रीत जोर जोर से हंसने लगता है। तनु, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी माचो हो, तुम्हारी साइड से तो मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। मुझे शिवानी को बचाने के लिए वो सब करना पड़ा, वरना मुझे डर था कि उसके साथ वो लोग और बुरा करते, तनुजा हंसते हुए कहती है। वैसे तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं बस अभी परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट से वापस आया था, और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम वहाँ हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया, मुझे इस बात की तो उम्मीद ही नहीं थी, दिलप्रीत कहता है। तुमने उन्हें डरा तो दिया अंदर, पर शिवानी को तो उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, हो सकता था कि उस सब के बाद वो लोग इसके साथ कोऑपरेट ना करते, इसलिए मुझे बीच में आना ही पड़ा। थैंक्स। तनुजा शिवानी के बिखरे बाल और उसके चेहरे पर पड़े स्क्रैचेस देखकर काफी शर्मिंदा हो जाती है। मुझे पता था कि मेरी दोस्त होने की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ होगा। क्या वो लोग हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही पेश आती हैं? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? बता भी देती तो तुम करती भी क्या? और तो और मुझे लगा कि अगर मेरे म्यूजिक डिपार्टमेंट में ही इतनी बातें हो रही हैं, तो तुम्हारे ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में तो हालत और भी खराब होगी, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा बुरी होगी, शिवानी अपने जख्म छुपाते हुए कहती है। हमारी दोस्ती तो बस इनके लिए एक बहाना है, असल में मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मेरी एल्बम भी जल्द ही रिलीज होने वाली है, इसलिए सब लोग बस मुझसे जलते हैं, और अब अगर मैंने ये रास्ता चुन ही लिया है अपने लिए तो मुझे इनकी नफरत सहनी ही पड़ेगी। ये सब टेम्पररी है, एक बार मैं स्टार बन गई ना, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे ऐसे ट्रीट करने की, तनुजा गुस्से में कहती है। ये मानसी हमेशा इतनी डर्टी ट्रिक्स क्यों इस्तेमाल करती रहती है? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से बताओगी ये सब, दिलप्रीत पूछता है। तनुजा परेशान हो जाती है। अरमान को मत बताना, शिवानी कहती है।
अगर उसे पता चलेगा तो वो तुम्हारी मदद तो जरूर करेगा, पर उससे तुम्हारे और उसकी दादी के रिश्ते पर काफी बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें मानसी से निपटने से पहले अरमान से शादी कर लेनी चाहिए, तनुजा हंसते हुए कहती है। अभी अभी तुम पर ऐसे हमला हुआ है और तुम्हें इस टाइम भी मेरी शादी की फिक्र है। मुझे तो होगी ही ना, शिवानी अपने जख्मों को देखते हुए कहती है। अरमान को तो अपनी फैमिली रिलेशन की फिक्र नहीं है, पर आखिरकार है तो वो उसकी दादी ही ना। अगर उसकी दादी ने इस बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया ना तो तुम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। हाँ चलो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दिलप्रीत कहता है। तनुजा उससे पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? तुम फिक्र मत करो, इससे तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो तुम, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे लगता है कि शिवानी को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दिलप्रीत कहता है और इसी के साथ उनके आगे आगे चलने लगता है। तनुजा और शिवानी उसे फॉलो करती हैं। डॉक्टर शिवानी को कुछ दवाइयां लिखकर दे देता है, जिसके बाद दिलप्रीत उन दोनों लड़कियों को उनके घर तक छोड़ देता है। दिलप्रीत तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है, शिवानी मुस्कुराते हुए तनुजा से कहती है। हाँ हम अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे उन दोस्तों में से है जिन्हें मेरे अतीत के बारे में पता है और ये सच में काफी अच्छा है, तनुजा बेड के किनारे पर बैठे हुए शिवानी से कहती है। फ्यूचर में अगर लोगों को मेरे पिताजी के बारे में पता चलता है तो तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए, मेरे चक्कर में तुम खुद मत किसी मुसीबत में पड़ जाना। क्या सोच रही हो तुम, शिवानी गुस्से में पूछती है। मेरे दिमाग में कब से यही ख्याल आ रहा है, मानसी को मेरे अतीत के बारे में सब कुछ काफी पहले से पता था और उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। उसने उस पार्टी के बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, मुझे लगता है कि वो इस बात को बाहर निकालने के लिए बस सही मौके का इंतजार कर रही है। हाँ तो ये हो सकता है, तुम्हें इस बारे में अरमान से बात करनी चाहिए, शिवानी अपना सिर हिलाते हुए कहती है। नहीं, तनुजा तभी उसे जवाब दे देती है। वो मानसी का मुंह तो बंद करवा देंगे, पर क्या वो अमित और आयशा को इस बारे में बात करने से रोक पाएंगे? आज नहीं तो कल लोगों को मेरी असलियत के बारे में पता चल ही जाएगा। आफ्टर ऑल मैं अपने पिता का नाम पूरी जिंदगी तो छुपा कर नहीं रख सकती ना। पर कोई बात नहीं, अब मैंने काफी सोच लिया है और मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं हूँ उनकी बेटी तो हूँ, और यही सच है। मुझे लगता है कि अब मुझे चीजें अलग इसलिए लग रही हैं क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैं अब सच्चाई से और भागना नहीं चाहती, बल्कि उसे फेस करना चाहती हूँ। अब मेरे पास मेरे दोस्त है, मेरा प्यार है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है अरमान मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें किसी बात का डर नहीं है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे भी मेरा लकी स्टार हो। तुम्हारी वजह से ही तो एक म्यूजिक कंपनी ने मुझे स्टार बनाने का तय किया है, शिवानी कहती है। जाओ तुम जाकर आराम करो, मैं भी नहाने जा रही हूँ। ठीक है, तनुजा ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है नहाने। जैसे ही वो नहाकर बाहर आती है, उसे अपना फोन बजते हुए सुनाई देता है। जैसे ही वो फोन उठाती है, उसे अरमान की 14 मिस्ड कॉल्स दिखाई देती हैं। वो सोचने लगती है कि अरमान ने कैसे एक मिनट का भी गैप नहीं दिया उसे फोन करने में। क्या इसके पास कोई और काम नहीं है करने को? अभी वो बस ये सब सोच ही रही थी कि अरमान उसे फिर फोन करने लगता है। वो जल्दी से उसका फोन उठाकर कहती है, कर क्या रहे हो तुम, हर मिनट फोन कर रहे हो मुझे, ऐसे तो मेरा फोन ही बंद हो जाएगा। एपिसोड 162 पोस्ट। अरमान गुस्से में कहता है, तुमने मेरी इतनी सारी कॉल्स मिस कर दी तो मुझे लगा शायद अब तुम मेरा फोन ही उठाना नहीं चाहती हो। अब मैं नहा रही थी, मैंने फोन की तरफ देखा ही नहीं। अब तो तुम्हें अपना फोन बाथरूम में भी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड जो है। जैसे कि तुम तो बड़ा अपना फोन बाथरूम में लेकर जाते हो ना। हाँ बिल्कुल, मैं नहाते समय अपना फोन कैबिनेट पर रख देता हूँ। मुझे डर होता कि अगर मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। हो सकता है कि तुम यही ना सोचने लग जाओ कि मेरी जिंदगी में कोई और लड़की है। कोई और लड़की इसकी जिंदगी में तो आना मुश्किल ही है, अगर ये आदमी चाहे तो भी, तनुजा मन ही मन सोचने लगती है। अरमान कहता है, आज रात तुम किसके साथ हो? शिवानी। तनुजा हैरान हो रही थी कि आखिर अरमान ऐसा पूछ भी क्यों रहा था। तुम झूठ बोल रही हो, तुम दिलप्रीत के साथ हो, वो तो तुम्हें घर छोड़ने भी आया था, अरमान कहता है। तनुजा उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। तुम्हें कैसे पता, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने किसी को कहा था तुम्हारी सोसाइटी के एंट्रेंस पर मेरे लिए नजर रखे, मुझे डर था कि कहीं अमित वहां आकर फिर से कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे तुम्हारे लिए।
अरमान कहता है। पर मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ डेट पर जाओगी। तनुजा इमोशनल हो जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अरमान ने उसकी रक्षा के लिए लोग रखे हुए थे। क्या आपके खबरियों ने आपको ये नहीं बताया कि हमारे साथ शिवानी भी थी? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, बस वो बात आपसे छुपाई जरूर, क्योंकि मुझे डर था कि आप जेलस हो जाएंगे। जेलस? और मैं? वो भी उस लड़के से? अरमान हंसने लगता है। मुझे तो बस ये लगता है कि तुम्हें अब बाकी लड़कों के साथ नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम मुझे डेट कर रही हो, ऑफ कोर्स तुम्हारे पिताजी को छोड़कर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे किसी और लड़के का तुम्हें घर छोड़ने आना गलत है? अब आप तो हद ही कर रहे हैं। मेरा कोई मेल दोस्त ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आगे भी तो काम वगैरह के सिलसिले में मुझे लड़कों से बात करनी होगी। अगर मैं आपको ऐसे लड़कियों से बात करने से मना करूं तो? ऑफ कोर्स नहीं, मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, तनुजा गुस्से में हंसते हुए कहती है। हाँ, जैसे मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं। एटलीस्ट मैं और किसी लड़की को खुद को घर तक लाने तो नहीं दूंगा, और ना ही किसी और लड़की को खुद अपने घर लाऊंगा, मेरी माँ, दादी और दीपिका को छोड़कर। अरमान पूछता है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तनुजा ये सुनकर हैरान रह जाती है। और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का क्या? अरे चलो, अब एक्स की बात छिड़ी गई तो चलो तुम्हारे भी एक्स मंगेतर के बारे में, यानी अमित के बारे में बात करते हैं, अरमान हंसते हुए कहता है। तनुजा अपनी हार मान लेती है। अच्छा ठीक है, मैं ही गलत हूँ। मैं आज के बाद कभी दिलप्रीत को खुद को घर छोड़ने नहीं दूंगी। अब तो खुश है ना आप? वो मुझे नहीं, सिर्फ शिवानी को ही घर ले जाया करेगा, ठीक है? इम्पॉसिबल, ना तो वो तुम्हारे जैसी सुंदर है और ना ही उसकी तुम्हारी जैसी पर्सनालिटी है। तनुजा उसे बताना तो चाहती थी कि शिवानी की भी पर्सनालिटी काफी अच्छी थी और साथ ही वो दिल की भी बहुत अच्छी थी, पर उसे ये जानकर खुशी हुई कि उसके बॉयफ्रेंड की नजरों में वही बेस्ट थी। अरमान इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि सुंदरता देखने वालों की नजर में होती है। अब तुम्हें अपनी गलती का पता है ना, चलो मुझसे माफी मांग लेना, अरमान कहता है। माफी? क्या तुम कल फ्री हो? चलो फिल्म देखने चलते हैं, एक फिल्म रिलीज हुई है जो मैं देखना चाहती हूँ, तनुजा अरमान से कहती है। पर तुमने तो कहा था कि तुम थोड़े दिन अभी फ्री नहीं हो, तुम्हें अपने प्ले की रिहर्सल नहीं करनी? अरमान पूछता है। अगले हफ्ते ही तो क्रिसमस है ना, तुम्हारे पास तो काफी काम होगा। वो हाँ, मैंने उस बारे में काफी सोचा कि मैं होस्टिंग से ही काफी बिजी हो जाऊंगी, इसलिए मैंने प्ले से अपना नाम कटवा लिया था। मेरी वैसे भी कुछ ज्यादा लाइन्स तो थी नहीं, इसलिए मैंने वहाँ अपनी जगह किसी और को खड़े रहने के लिए कह दिया है। अच्छा ही है जो तुमने वो प्ले छोड़ने का सोच लिया, मुझे तुम्हारे साथ वाला वो लड़का वैसे भी पसंद नहीं था। अरमान थोड़ी देर तक तनुजा से बात करता है और फिर फोन काट देता है। फोन काटते ही वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, जाओ और जाकर पता लगाओ कि तनुजा के शो के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। क्या तनुजा मैडम ने कुछ कहा? वो एकदम से कंफ्यूज होकर पूछता है। नहीं, पर पहले मेरे गुस्सा होने पर भी वो शो छोड़ना नहीं चाहती थी, और अब खुद ही उसने वो शो छोड़ दिया है, ये सब थोड़ा अजीब है। अरमान अपनी बाजू गाड़ी की खिड़की पर रखता है और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड परफेक्ट है, वो इतनी भोली है कि मुझे हर समय बस यही डर लगा रहता है कि कोई उसे परेशान ना करे। After all, लोग इतने evil जो हैं यहाँ। अरमान के सेक्रेटरी को समझ नहीं आता कि वो उसकी बात का क्या ही जवाब दे। बॉस, आप हर समय अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ करते थकते नहीं है क्या? वो अपने मन ही मन सोचता है। अगले दिन जब तनुजा और शिवानी अपना नाश्ता कर रहे थे, उन्हें सोशल मीडिया पर दिलप्रीत का एक पोस्ट दिखाई देता है। उस दिन मैं अपनी कॉलेज मेट की बर्थडे पार्टी में गया था। उस पार्टी के दौरान उसकी होस्ट पानी में गिर गई थी। वो होस्ट और बर्थडे गर्ल दोनों रूममेट हैं। एक्सीडेंट के बाद उस होस्ट ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को सू करने का सोचा और उनसे कंपनसेशन के तौर पर 5 लाख रुपए की मांग की। मेरी कॉलेज मेट को लगा कि वो एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था, इसलिए उसने अपनी तरफ से ही उस होस्ट को 2 लाख रुपए दे दिए। पर उस होस्ट ने मना कर दिया और अपने अमीर बॉयफ्रेंड से कहकर उस पर अटैक करवाया। अब चीजें और खराब होती जा रही हैं और मेरी कॉलेज मेट इस सब के लिए उस होस्ट को जिम्मेदार ठहराती है। क्या बकवास है ये सब? वो बर्थडे गर्ल कभी भी एक अच्छी इंसान नहीं थी। उसने उस होस्ट को मेरे सामने भी बेइज्जत करने की काफी कोशिश की थी। अगर कोई मुझसे आकर कहे कि उसके जैसे दोगले इंसान ने ये सब स्टेज पर जानबूझकर किया, तो मैं शायद आपकी बात मान लूं। और तो और, वो होस्ट और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि वो कैसी इंसान है। ये पढ़ने के बाद शिवानी कहती है,
दिलप्रीत सच में एक अच्छा और सच्चा दोस्त है। हमारे कॉलेज से ज्यादातर बच्चे ये अब देख ही लेंगे और जल्द ही ये सारी बात कॉलेज में फैल भी जाएगी और मानसी की तो हार ही होगी। तनुजा दिलप्रीत को फोन करके कहती है, मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ा, थैंक यू। हम दोस्त हैं और इसलिए हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए, दिलप्रीत हंसते हुए कहता है। पर अगर फिर भी तुम मेरा धन्यवाद करना चाहती हो तो आज रात का डिनर तुम्हारी तरफ से। आज रात तो मैं बिजी हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, कल का प्लान कैसा रहेगा? तनुजा माफी मांगते हुए कहती है, हाँ कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह जैसे ही तनुजा कॉलेज पहुंचती है, लोग उसे विश करने लगते हैं। उसके प्ले का एक लड़का उसके पास आकर कहता है, तनुजा आज शाम को हमारी रिहर्सल है, तुम जरूर आना, बाकी लोगों ने भी मुझे तुम्हें इनवाइट करने को कहा है। तनुजा उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, मुझे नहीं लगता, आज सुबह मैंने प्रोफेसर से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि मेरी जगह वो किसी और को डाल देंगे, तो तुम सब मेरे बिना ही प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बात नहीं। अपनी बात खत्म करते ही तनुजा अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगती है। ये देखकर वो लड़का एक बार फिर आगे जाकर कहता है, तनुजा प्लीज ऐसे गुस्सा मत हो, तुम हमने ही पहले तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें सुन ली थी जिसकी वजह से ये सब गलत फहमी हुई है, हमें माफ कर दो, हमारी ही गलती थी। अरे तुमने कोई गलती नहीं की है, बात सिर्फ इतनी है कि तुमने मेरे साथ रिहर्सल की क्योंकि तुम ऐसा चाहते थे। तुम्हें क्या लगता है कि कौन हूँ मैं? और तो और तुम में से कोई ना कोई हमेशा पीठ पीछे मेरी बुराई ही कर रहा होता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ये शो करना चाहती हूँ? तनुजा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। पीछे से एक और लड़की तनुजा का नाम पुकारने लगती है उसके जाते ही। जैसे ही तनुजा पीछे मुड़कर देखती है, उसे एहसास होता है कि वो तो जैस्मिन की आवाज थी। तनुजा रुको, वो कहती है, कितनी बेशर्म हो तुम, तुमने अरमान को भी बेवकूफ बनाया और अब दिलप्रीत पर भी न जाने तुमने क्या ही जादू कर दिया है। उसे क्या झूठ बोला है, उसने बिना अपनी मर्जी के बस तुम्हारी बातों में आकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया। एपिसोड 163, जादू। जैस्मिन, बेवकूफी की भी एक हद होती है, तनुजा अब और नहीं सह पा रही थी, वो कहती है, तुमने मेरी इज्जत की तो धज्जियां ही उड़ा दी हैं पहले ही, पर अब मैं तुम्हें ऐसे शिवानी को परेशान नहीं करने दे सकती। क्या तुम्हें पता भी है कि कल रात कुछ लोगों ने इसे बुली किया था? आफ्टर ऑल ये तुम्हारी भी तो रूममेट थी काफी टाइम के लिए। शिवानी वो सब डिजर्व करती है, जैस्मिन कहती है, मेरी अब इससे कोई बात नहीं होती जब से इसने तुम्हारी साइड ली है। अच्छा, तनुजा जैस्मिन के मुंह पर जोरदार चांटा मारने से पहले हंसने लगती है। आसपास से गुजरते हुए बच्चे वहीं रुक जाते हैं और सारा तमाशा देखने लगते हैं। जैस्मिन हैरान थी, वो अपना मुंह पकड़कर कहती है, तनुजा तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अभी तो मैंने तुम्हारा सच, लो मैं फिर से कर देती हूँ। तनुजा ये कहकर उसके दूसरे गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ मार देती है। ठीक इसी तरह इन लोगों ने कल रात शिवानी को भी मारा था, क्योंकि तुम्हें सही गलत की इतनी पड़ी है इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी विश पूरी कर दूं। तुम्हें ऐसे थप्पड़ मारकर मैं तो तुम्हें थोड़ी अक्ल देने की कोशिश कर रही हूँ। पूरी रात अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बाद तनुजा से अब और नहीं हो रहा था, और वैसे भी जैस्मिन के मुताबिक तो वो दोनों गलत थी ही, पर अगर तनुजा आज उसे थप्पड़ ना मारती तो उसे इस बात का सारी उम्र अफसोस रहता। कहीं ना कहीं उसे आज थप्पड़ मार कर तनुजा को थोड़ा बेहतर लग रहा था। अब तनुजा को समझ आ चुका था कि ऐसे चुपचाप अपनी बेइज्जती सहने से कुछ भी नहीं होगा, बस बाकी लोगों को लगेगा कि उसे ऐसे बुली करना बहुत आसान है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जैस्मिन कहती है। तनुजा ने अपने स्कूल टाइम में भी ये सब काफी देखा था, सहा था, इसलिए ये लड़ाई उसके लिए कोई नई तो थी नहीं। उसे जैस्मिन से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो उसके बाल पकड़कर उसका सिर पास की दीवार पर दे मारती है। जैस्मिन, इसे एक चेतावनी ही समझना, अगर आज के बाद तुमने कभी मेरे और मानसी के आपस के मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, फिर चाहे मुझे कॉलेज से बाहर ही क्यों ना निकाल दिया जाए, तब भी मैं कॉलेज के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी और देखते ही तुम्हें बहुत मारूंगी। यहाँ तक कि अगर मुझे ये लोग जेल में भी डाल देना तो भी सबसे पहला काम मैं यही करूंगी कि तुम्हें मारूंगी। तनुजा रुक जाती है और आसपास खड़े लोगों को देखकर कहती है, और यही बात आप सब लोगों के लिए भी लागू होती है। वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उन सबके सामने तनुजा हमेशा से ही एक भोली भाली बेचारी सी लड़की थी,
ये पहली बार हुआ था कि वो लोग तनुजा का ये रूप देख रहे थे। तनुजा जैस्मिन को एक साइड पर धक्का मारती है वहाँ से जाने से पहले। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगी, जैस्मिन रोते रोते चिल्लाने लगती है। ये सुनकर तनुजा एक खाली पानी की बोतल उठाती है और गुस्से में उसे जैस्मिन के पैरों की तरफ फेंक देती है। इस सबसे घबराई हुई जैस्मिन चुप रहती है। तनुजा के जाते ही कई लड़कियां जैस्मिन के पास आती हैं और उससे कहती हैं, जैस्मिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये सब भूल जाओ। सबसे पहले तो तुम्हें मानसी की साइड लेनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों, मानसी की क्या गलती है, इतनी अच्छी इंसान तो है वो, जैस्मिन गुस्से में कहती है। तुम्हें सही गलत का फर्क तक नहीं पता। दरअसल दिलप्रीत तनुजा को पसंद करता था, इसलिए उसने मानसी के बारे में वो सब सोशल मीडिया पर लिखा, उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए। वो सब लड़कियां एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है, दिलप्रीत को तो सभी पसंद करते हैं, तो उसे क्या जरूरत पड़ी होगी मानसी के बारे में ये सब कहने की। वैसे भी सब लोगों को तो पता ही है कि मानसी को दिलप्रीत पर क्रश है, और इसलिए उसका जेलस होना तो जायज ही था। तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं हमारी टीचर को उसकी सच्चाई बता कर ही रहूंगी, जैस्मिन गुस्से में सीढ़ियों से उतरने लगती है। वो अभी थोड़ा आगे ही गई थी कि उसका रास्ता रोकते हुए वहाँ से वेल ड्रेस्ड आदमी खड़ा हो जाता है। जैस्मिन उसे पहचान लेती है। वो अरमान का असिस्टेंट ही था। जैस्मिन को कहीं से पता चला था कि वो शिवानी को पसंद करता है। वो जोर से कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? हम आपको यहाँ अरमान की दादी से मिलवाने के लिए लेने आए हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। ये कहते ही वो अपना हाथ हिलाता है और दो बेहद लंबे लोग जैस्मिन को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं। जैस्मिन के दिमाग में ये बात नहीं आती कि अगर अरमान की दादी उससे मिलना चाहती थी तो वो अरमान के असिस्टेंट को क्यों उसे लेने भेजती। अरमान को उसके सेक्रेटरी का फोन आता है। सर, हमें जैस्मिन मिल गई है, हम उसे लेकर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। अपने सेक्रेटरी का फोन काटने के बाद अरमान अपनी माँ को फोन करता है और कहता है, आप जल्दी से रॉक गार्डन में आ जाइए, मुझे वहाँ आपकी जरूरत है। उन्होंने कभी अपने बेटे को ऐसे बात करते नहीं सुना था, इसलिए वो थोड़ा घबरा जाती हैं। पर क्यों, वो पूछती हैं। मैं कुछ बहुत जरूरी काम कर रही थी। चाहे आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, जल्दी से वहाँ आ जाइए, वरना बाद में मुझे मत कहना कि मैंने वहाँ लड़ाई शुरू कर दी। अरमान फोन काट देता है और अपनी जैकेट उठाकर वहाँ से निकल जाता है। रॉक गार्डन वही जगह थी जहाँ अरमान के दादा दादी रहते थे। वहाँ पहुँचते ही तकरीबन 50 मिनट बाद अरमान एक काफी बड़े से हॉल में जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरमान की दादी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। अरमान को वहाँ देखते ही वो कहती हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे और अपने दादाजी से दूर ही रहना जब तक तुम उस लड़की को नहीं छोड़ देते। मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है। अरमान भी जाकर सोफे पर बैठ जाता है आराम से। अरमान को इतना प्राउडली वहाँ बैठे देख अरमान की दादी उसे झाड़ू से मारना चाहती थी। चाहे तुम मुझसे कुछ भी क्यों ना शेयर करो, मैं कभी उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्या शेयर करना चाहते हो तुम? अरमान की गाड़ी की आवाज सुनकर उसके दादाजी नीचे आ जाते हैं। आपको जल्दी पता चल जाएगा। अरमान वहाँ के सर्वेंट को अपने लिए चाय बनाने को कहता है। अरमान की दादी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं ताकि उन्हें अरमान का चेहरा देखकर और गुस्सा ना आए। तकरीबन 5 मिनट बाद अरमान की माँ भी वहाँ आ जाती हैं। तुम क्यों वापस आ गई? अरमान की माँ और अरमान को वहाँ ऐसे देखकर अरमान के दादाजी परेशान हो जाते हैं। इसने ही मुझे बुलाया, आखिर चाहते क्या हो तुम अब? अरमान की माँ अरमान से पूछती हैं। मेरे सेक्रेटरी को आने दो, अरमान अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, वो जल्दी आता होगा यहाँ। वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे की शक्लें देखने लगते हैं, इसी उम्मीद में कि वहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। तकरीबन 10 मिनट बाद अरमान का सेक्रेटरी जैस्मिन को लेकर वहाँ पहुँचता है। जैस्मिन के गाल लाल थे, उसकी आंखें सूजी हुई थीं और बाल पूरे बिखरे हुए थे। दादी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। उन्हें देखते ही जैस्मिन गिड़गिड़ाने लगती है और उनसे मदद की भीख मांगने लगती है। अरे तुम तो मानसी की दोस्त हो, तुम्हें क्या हुआ? अरमान की दादी ने जैस्मिन को कई बार हॉस्पिटल में देखा था जब मानसी वहाँ एडमिट थी। वो वहाँ रोज आती थी, इसलिए उनकी नजरों में वो एक अच्छी लड़की थी। तनुजा ने किया ये सब, जैस्मिन ये कहते हुए और जोर जोर से रोने लगती है। पागल लड़की है वो,
आज क्लास के बाद मैंने उससे कहा कि वो मानसी को परेशान करना बंद कर दे और उसने मेरे साथ ये सब किया। क्या? ये सुनते ही अरमान की दादी अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप फेंक देती हैं और कहती हैं, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इस लड़की ने मानसी की दोस्त को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर अरमान के दादाजी भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने इस लड़की को कितना बिगाड़ दिया है अरमान, मैंने कभी इतनी अग्रेसिव लड़की नहीं देखी। अरमान उन्हें थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता है और फिर जैस्मिन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, वाह ये तो कितना अच्छा सरप्राइज है, मेरी गर्लफ्रेंड लड़ती भी है, क्या वो जीत गई? ऑफ कोर्स वो जीत गई, वरना मुझे इतनी चोट कैसे लगती, जैस्मिन कहती है। अरमान ये सुनकर खुश हो जाता है, परफेक्ट, मेरी गर्लफ्रेंड परफेक्ट है, लड़ाई में भी जीत जाती है वो तो। जैस्मिन को उसकी बात सुनकर समझ नहीं आता कि वो आखिर कहे तो क्या कहे। अरमान की दादी ये सुनकर बेहद गुस्सा हो जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, अरमान तुम कुछ भी बोल रहे हो अब। अरमान कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड जो चाहे वो कर सकती है, उसे किसी और के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अरमान की दादी भी चुप हो जाती हैं। हद है, अरमान की माँ टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहती हैं, ऐसा भी क्या जादू किया है उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर? हाँ पर जादू तो रोज नहीं किया जाता ना, अरमान कहता है। ये सुनकर अरमान के दादाजी भी बेहद परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका पोता होते हुए भी अरमान ऐसी बेवकूफी भरी बातें कैसे कर सकता था। एपिसोड 164, डिस्ट्रैक्शन। तुम अपने बेटे पर नजर रखा करो, अरमान के दादाजी अरमान की माँ से कहते हैं, ये सब तुम्हारे उस बेवकूफ पति की वजह से हुआ है। देख कर कहिए जरा जो भी आप कह रहे हैं, अरमान की माँ कहती है। अरमान के दादाजी अपनी आंख मलते हुए कहते हैं, तुम इसे क्यों लाए हो यहाँ? अरमान हंसते हुए जैस्मिन से कहता है, इन्हें उन अफवाहों के बारे में बताओ जो तुम स्कूल में फैला रही हो। जैस्मिन उस समय बेहद डरी हुई थी। अरमान की नजर भर इस पर पड़ते ही वो कांपते हुए कहती है, मैं तो सच ही कह रही थी। हाँ ठीक है, वो सब सच था पर हमने नहीं सुना, चलो जल्दी बताओ हमें भी, अरमान अपनी उंगलियां कुर्सी पर रखते हुए कहता है। जैस्मिन डरते हुए कहती है, मैंने उस रात मानसी की पार्टी के बारे में कहा था कि तनुजा उस कंपनी को सू करना चाहती थी जिन्होंने वो स्टेज बनाया था। मानसी के परिवार वाले इस बात को पीसफुली सेटल करना चाहते थे क्योंकि वो एक्सीडेंट उनके घर पर हुआ था और उसके लिए वो 2 लाख रुपए तक देने को तैयार थे, पर तनुजा ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। बल्कि उल्टा उसने अरमान को प्रेशराइज किया कि वो मानसी को बंजी जंपिंग के लिए लेकर जाए, जिसके चलते उसे बाद में हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ा। अभी वो अपनी बात खत्म कर ही रही होती है कि अचानक उसे एहसास होता है कि उस कमरे में एक अजीब सी शांति हो चुकी थी। वो घबरा जाती है और कहती है, मैं तो सच ही कह रही थी, मैंने कोई भी बात अपने मन से नहीं बनाई। अरमान की दादी अपसेट लग रही थी पर वो चुप रहती हैं। अरमान के दादाजी जैस्मिन से पूछते हैं, क्या ये सब तुमसे किसी ने कहा था या कहानी ये तुमने खुद ही बनाई थी? जैस्मिन अपना सिर हिलाते हुए कहती है, मैं खुद क्यों कहानी बनाऊंगी, मानसी ने खुद मुझे सब बताया था। अरमान हंसने लगता है, दादाजी दादी जी अब तो आपने खुद ही सब सुन लिया है, बाहर वालों को तो शायद इस बारे में पता ही नहीं होगा, पर आपको तो सब सच पता है ना, वरना आधी रात को दादाजी पुलिस स्टेशन क्यों जाते वो केस बंद करवाने के लिए। ये सुनकर उसके दादाजी का चेहरा उतर जाता है। वो अरमान के सेक्रेटरी से कहती हैं, इस लड़की को ले जाओ और वहीं जाकर छोड़ाओ जहाँ से इसे लाए हो। आखिर आप सब लोग ऐसे क्यों हैं? जैस्मिन को लग रहा था जैसे वो कुछ तो मिस कर रही थी। क्या मानसी ने मुझसे झूठ बोला? हाँ बिल्कुल उसने तुमसे झूठ बोला, उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, अरमान कहता है। अगर तनुजा ने तुम्हें पहले ही सबक नहीं सिखाया होता तो मैं खुद ही तुम्हें सबक सिखा देता। अब उस मानसी से दूर ही रहना तुम, और अगर आज के बाद ऐसी अफवाहें फैलाई ना तुमने कॉलेज में तो मैं तुम्हें कॉलेज से ही निकलवा दूंगा, फिर किसी को ये नहीं पता चलेगा कि तुम गई तो आखिर गई कहाँ, चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा तुम्हें। जैस्मिन मदद के लिए अरमान की दादी की तरफ देखती हैं। अरमान की दादी भी इस बार उसे इग्नोर कर देती हैं, जबकि पिछली बार उन्होंने उसकी मदद की थी। अरमान की माँ चाय पीते हुए कहती हैं, तुम अभी काफी यंग हो, किसी अजनबी के चक्कर में अपना करियर मत खराब करो। जैस्मिन बेहद डर चुकी थी
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अरमान का सेक्रेटरी जैस्मिन को वहां से ले जाता है। उनके जाने के बाद जैसे मानो वहां अजीब सी शांति हो गई थी। अरमान अचानक कहता है, करने को तो मैं ये सब खुद ही मानसी से सॉर्ट कर लेता, पर फिर मुझे आप दोनों का ख्याल आया और मैंने सोचा कि जैस्मिन को यहीं बुला लेता हूँ ताकि आपको भी मानसी की असलियत के बारे में पता चल सके। दादी जी, आप हर बार तो ऐसे मानसी को नहीं बचा सकती ना? अरमान की दादी कहती हैं, इस बार मानसी गलत जरूर है, पर उसने ये सब इसलिए भी किया हो सकता है क्योंकि तुम उसे बंजी जंपिंग के लिए लेकर गए थे। अब वो ना तो तुमसे बदला ले सकती थी और ना ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे मिट्टी में रुलते देख सकती थी। हो सकता है कि बस इसीलिए उसने जैस्मिन से तनुजा के बारे में ये सब झूठ बोला हो। हाँ, और इसीलिए ही वो ये सब डिजर्व करती है। ध्यान से देखा जाए तो शुरुआत से ही सारी गलती मानसी की ही रही है, अरमान कहता है। दादी, अगर आपको अभी भी मानसी सही लगती है तो फिर आप आज के बाद भूल जाइएगा कि आपका कोई पोता भी था। आप बेफिक्र होकर मानसी को ही अपनी पोती बनाकर रख सकती हैं। ये कहकर अरमान खड़ा हो जाता है। उसकी दादी कहती हैं, पर जो कुछ भी मानसी की माँ ने कहा वो सब तो झूठ नहीं हो सकता ना? और तो और, अब जो तनुजा का फैमिली बैकग्राउंड है उसमें हमारी क्या गलती है? मुझे लगता है आंटी खुद ही जबरदस्ती जमीन पर गिर गई होंगी, अरमान कहता है। अरमान की दादी हंसते हुए कहती हैं, और ये सब तुमसे तनुजा ने कहा होगा, है ना? अरमान परेशान होकर कहता है, मैं स्पेशली जैस्मिन को यहाँ लेकर आया था। अगर उस सब के बाद भी यही रिजल्ट है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। आज के बाद अगर मानसी ने फिर कभी मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम? अच्छा ठीक है, बस करो, अरमान की माँ बीच में बोलती हैं। अरमान की दादी कहती हैं, इस बार मानसी ही गलत है। पार्टी वाली बात में भी मैंने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मैं ये बात जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। पर अरमान, तुम भी गलत हो। तुम्हें तनुजा की तरफ से मानसी से बदला नहीं लेना चाहिए था। अब ये सब यहीं खत्म करो। इस बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। और रही बात तनुजा की, तो उसका फैमिली बैकग्राउंड अभी भी एक बहुत बड़ा मसला है। माँ, आप मुझे नहीं इन लोगों को समझाइए, अरमान कहता है। अरमान की माँ कहती है, तनुजा एक अच्छी लड़की है, मैं उससे पहले भी मिली हूँ। उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये बात मैं मानती हूँ, पर इस सब में उसकी क्या गलती है? क्योंकि अरमान उसे पसंद करता है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। अगर आगे चलकर कोई दिक्कत आती भी है तो अरमान उसे खुद ही फेस कर लेगा। आफ्टर ऑल, क्योंकि ये सब उसका ही तो फैसला था। ये अब इतना बड़ा हो ही चुका है कि अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकता है, समझ सकता है। पर अरमान की दादी को अभी भी यकीन नहीं था। जो आदमी आगे चलकर अपनी कंपनी चलाने वाला है वो इतना कमजोर तो नहीं हो सकता ना? अरमान की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, पर एक बार जब अरमान एक चाइनीज कंपनी के साथ डील कर रहा था तब एक कॉन्ट्रैक्ट वो गलत साइन करने वाला था, पर तनुजा ने अपनी होशियारी दिखाते हुए सारी बात को संभाल लिया था। चाहे उसके पिताजी जेल में हैं, पर वो तब भी अच्छे से पढ़ी लिखी है और किसी अमीर घर की लड़की से कम नहीं है किसी भी फील्ड में। अरमान के दादाजी ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अगर हम लोग एक बार के लिए तुम्हारी बात मान भी लें तो क्या तुम्हें लगता है कि अरमान के पिताजी कभी उस लड़की को अपना पाएंगे? अगर अरमान की शादी ऐसी किसी लड़की से हो गई तो उनकी पोजीशन, उनकी रेपुटेशन सब अफेक्ट होगी, अरमान की माँ कहती है। उस इंसान की रेपुटेशन की कितनी वैल्यू है? और तो और, उसे वैसे भी अरमान के लिए कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी करना ही होगा ना। मुझे भी उस इंसान ने इतनी बुरी तरह चीट किया, वो भी अरमान की गर्लफ्रेंड की ही माँ के चक्कर में। अगर ऐसा सब ना हुआ होता तो शायद अरमान आज भी उसी लड़की के साथ खुशी खुशी रह रहा होता। ये सब सुनकर अरमान के दादा दादी दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, अरमान कहता है। दादी जी, चाहे आपको मानसी के परिवार से कितना ही लगाव क्यों ना हो, पर उन्होंने इस बार गलत किया है, और अगर वो ऐसे ही गलतियां करते रहे तो आपकी कंपनी टेक ओवर करने के बाद मैं सबसे पहले उन्हें ही बाहर निकालूंगा। मैं आपको आज जुबान दे रहा हूँ अपनी, उन्होंने ये सब तनुजा की वजह से नहीं किया, बल्कि वो मुझ पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। ये कहते ही अरमान वहां से चला जाता है। तकरीबन 4:50 पर तनुजा अपनी क्लास में ही थी जब उसे अचानक लोगों के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो कौन है? वो कितना हैंडसम है, मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। मुझे लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। तनुजा खिड़की से बाहर देखती है और हैरान हो जाती है। कॉरिडोर में ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने अरमान खड़ा था।
ये पहली बार था कि तनुजा ने किसी लड़के को काले कपड़ों में इतना हैंडसम लगते देखा था। तनुजा की तरफ देखते ही अरमान अपना हाथ हिलाने लगता है। तनुजा उसे देखकर कुछ बोल नहीं पाती। आसपास के सभी लोगों की नजरें तनुजा पर टिक जाती हैं। यहाँ तक कि जो प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था वो भी तनुजा को नोटिस कर लेता है। ये तो भगवान का शुक्र था कि वो बेहद ही मजाकिया किस्म का था। तनुजा, क्या वो बाहर तुम्हारा बॉयफ्रेंड खड़ा है? नॉट बैड, ये तो मुझसे भी ज्यादा चार्मिंग है। तभी मेरी सारी फीमेल स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं। तनुजा शर्माते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर, मुझे नहीं पता था कि ये। कोई बात नहीं, लड़कियों को तो हमेशा ही ऐसे हैंडसम लड़के पसंद ही आते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहता है। पर अगली बार इसे नीचे ही इंतजार करने को कहना, वरना मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। आफ्टर ऑल इसे देखकर थोड़ा तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हुआ ही हूँ, और तुम में से किसी का भी ध्यान नहीं है क्लास में जब से ये यहाँ आया है। एपिसोड 165, फ्रेंडशिप। जी ठीक है, तनुजा कहती है। वैसे तो क्लास 15 मिनट में खत्म होने वाली थी, पर वो 15 मिनट ही बहुत ज्यादा लग रहे थे अब। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि बाहर खड़ा वो आदमी ठीक उसी पोस्चर में न जाने कब से तनुजा को ही घूर रहा था। क्लास में मौजूद सभी लोग फुसफुसाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। देखो तो वो कैसे तनुजा की तरफ ही देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तनुजा ने उस पर कोई जादू किया हो। कितना पेशेंटली वहाँ खड़ा वो तनुजा का इंतजार कर रहा है। मेरे बॉयफ्रेंड ने तो कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया। अभी अचानक मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे मेरे बॉयफ्रेंड ने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तनुजा ऑलरेडी काफी एम्बेरस हो चुकी थी। वो चुपके से अरमान को मैसेज करती है, सब लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, आप प्लीज नीचे जाकर ही मेरा इंतजार कीजिए। अरमान अपने फोन की तरफ देखता है और चुपचाप से उसे फिर से अपनी जेब में डालकर तनुजा को मुस्कुराते हुए घूरने लगता है। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब करे भी तो क्या करे। फाइनली क्लास खत्म हो जाती है। तनुजा दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं बैठी थी। बाहर जाते अपने दोस्तों को देख तनुजा को एहसास होता है कि जैसे वो सब जाते जाते अरमान को चेकआउट कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई रेयर कीमती सी चीज दिख गई हो। तनुजा को देखने के बाद ही अरमान की बेचैनी थोड़ी कम होती नजर आती है, और एक लड़की होने के कारण तनुजा को खुद पर अब और भी ज्यादा गर्व महसूस होने लगा था। ये तुम्हारे चेहरे पर जख्म कैसा? अरमान कंसर्न होकर पूछता है। जैस्मिन ने मुझसे तो बस इतना ही कहा था कि तुम्हारी उससे लड़ाई हुई है, उसने ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि तुम्हें चोट भी लगी थी। मुझे तो लगा था कि तुम इज्जत के साथ जीती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मेरी लड़ाई हुई थी उसके साथ? तुम्हें कैसे पता ये सब? तनुजा कंफ्यूज होकर अरमान से पूछती है। अब ये मत कहना कि कॉलेज में भी तुम्हारी खबरें हैं। अरमान चुप रहता है और तनुजा के जख्म की ओर देखता रहता है। तनुजा की गोरी त्वचा पर सिर्फ 2 स्क्रैच ही आए थे, पर उन्हें देखकर भी जैसे अरमान का खून खौलने लगा था। उस जैस्मिन को तो बस कुछ ही थप्पड़ पड़े थे, पर तुम्हारा जख्म तो काफी गहरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हारी सुंदरता से जलती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे जाने ही नहीं देता। तनुजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मेरा जख्म बिल्कुल भी गहरा नहीं है, मुझे बस हल्की सी खरोंच ही आई है, बल्कि जैस्मिन का पूरा मुंह सूज गया था, और जहाँ तक मुझे याद है उसके होंठ से तो खून भी आ रहा था। मेरी नजरों में तो अगर तुम्हारा एक बाल भी टूटकर गिरता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है, उससे भी मुझे दर्द होता है, अरमान कहता है। वैसे तो तनुजा को अरमान की बातें सुनकर हंसी आ रही थी, पर साथ ही उसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी सियासत की राजकुमारी हो। वो शर्मिंदा होकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए कहती है, यहाँ बात करना ठीक नहीं, चलिए नीचे चलकर बात करते हैं। इसी के साथ तनुजा अरमान की बाजू पकड़कर उसे नीचे ले जाने लगती है। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, पीछे से आवाज आती है, अग्रिम रुको, तुम अपना फोन भूल गए हो। अरमान की लंबी टांगे ये नाम सुनते ही रुक जाती हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक बेहद पतला सा लड़का रुकते हुए नजर आता है। उसके चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स थे, पर वैसे वो काफी डिसेंट सा लग रहा था। तनुजा भी उसे देख लेती है, पर इग्नोर करने की कोशिश करती है। वो जैसे ही सीढ़ियां उतरने लगते हैं, अरमान कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये अग्रिम नेवले जैसा दिखता है। ऐसा नहीं हो सकता, और एक नेवले की इंटेंशन कभी चिकन को देखकर अच्छी नहीं हो सकती।
इंसान की लुक्स उसके दिल से बताई जाती हैं। आगे से तुम इससे दूर रहना। मैंने आज तक कभी इससे बात तक नहीं की है, आई समझ आपको, तनुजा कहती है। आप आज जैस्मिन से क्यों मिले थे? अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने दोपहर से उसे देखा तक नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि आप उसे भी बंजी जंपिंग के लिए लेकर गए थे। मैं इतनी बदसूरत लड़की को बंजी जंपिंग करवाने के लिए क्यों लेकर जाऊंगा? मानसी को भी मैं सिर्फ इसलिए लेकर गया था क्योंकि वो मेरी रिश्तेदार है, अरमान कहता है। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे बंजी जंपिंग किसी अम्यूजमेंट पार्क में डेट जैसा हो। अगर ऐसा होता तो क्या ही होता, तनुजा मन ही मन सोचने लगती है। मैं उसे अपनी दादी के घर लेकर गया था ताकि वो उनको सारी अफवाहों के बारे में बता सके जो उसने तुम्हारे बारे में पूरे कॉलेज में फैलाई हैं, जिससे कि दादी जी को मानसी की असलियत का पता चल सके, अरमान कहता है। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि उसे कॉलेज से ही निकलवा दूं, पर फिर काफी देर सोचने के बाद मुझे लगा कि अगर मुझे आगे चलकर तुम्हारे साथ शादी करनी है तो मेरे दादा दादी के मन में तुम्हारी एक अच्छी इमेज तो होनी ही चाहिए। और तो और मैंने एज अ विटनेस अपनी माँ को भी वहाँ बुला लिया था, अब उन्हें हमारे एक दूसरे को डेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तनुजा सच में वो सब सुनकर बेहद हैरान थी। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि अरमान कभी इतना एफिशिएंट हो सकता था। उस दिन सुबह तनुजा को लगा था कि शायद उसे कॉलेज वाले जैस्मिन को ऐसे मारने के लिए कोई सजा देंगे, या फिर कहीं जैस्मिन ही उसकी असलियत के बारे में सबको बता देगी। वो पूरा दिन इंतजार करती रहती है, पर कुछ नहीं हुआ। और अब जाकर उसे पता चल रहा था कि जैस्मिन को तो अरमान लेकर गया हुआ था। क्या बोलो भी अब कुछ, इतनी भी क्या खुशी है कि तुम्हें कि कुछ बोल ही नहीं पा रही हो, अरमान कहता है। तनुजा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो लगा था कि मैंने आपकी दादी से लंबी ही दुश्मनी मोल ले ली है। मुझे लगा था कि वो हमारी शादी कभी होने ही नहीं देंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे किसी टीवी सीरियल में होता है। पर इससे पहले कि मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, आपने तो सब सॉल्व कर दिया। अरमान ये सोचने लगता है कि उसकी दादी ने भी वही सेम बात कही थी उसे। अरमान आप कितने अच्छे हैं, ये कहकर तनुजा उसे हग कर लेती है। अरे मुझे पता है, और इसीलिए तुम मुझे फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लीमेंट कर सकती हो, अरमान कहता है, इन केस मैं कभी भूल जाऊं तो। तनुजा को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या ही जवाब दे। अरमान जी, आपका बात करने का तरीका बाकी लोगों से काफी अलग है, पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कॉलेज में कोई ऐसे परेशान कर रहा है। मुझे लगता है कि तुम इस सब के लिए मुझे जिम्मेदार समझती हो, अरमान तनुजा के चेहरे पर उसके जख्म को छूते हुए कहता है। इस तरह की लड़की की इतनी औकात नहीं कि तुम उससे खुद जाकर लड़ो, तनुजा मुस्कुराते हुए कहती है। कभी कभी मुझे अपनी भी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी होती है। आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, आपके सामने तो मेरा चांस ही नहीं होगा। मुझे डर है कि अगर कभी आप मेरे साथ ना हुए और तब किसी ने मुझे तंग किया तो मैं क्या करूंगी। तुम मेरे साथ कैसे नहीं होगी, क्या तुम मुझे चीट करने का प्लान कर रही हो? किसके साथ रहना चाहती हो तुम? वो दिलप्रीत के साथ, अरमान कहता है। दिलप्रीत और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तनुजा का ये कहते हुए सर दर्द करने लगता है। तुम्हारे तो मेल फ्रेंड्स हैं, पर मेरी ही कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं है, अरमान कहता है। एक लड़के और लड़की के बीच कभी भी प्योर फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती। ज्यादातर लोग बस दोस्ती के नाम पर एक दूसरे से बस फ्लर्ट करते रहते हैं। ये सच नहीं है, पर तनुजा को पता था कि वो अरमान को कन्विंस नहीं कर पाएगी, इसलिए वो कहती है। आप हमेशा मुझ पर शक क्यों करते रहते हैं? क्या आप मुझे कभी चीट करेंगे? आमतौर पर आप मर्द लोग ही रिलेशन में चीट करते हैं, स्पेशली आप अमीर लोग। वो अमीर आदमी ही कैसा जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स ना हो। मैं अलग हूँ, मेरा ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जरूर है, पर मैं उनके जैसा नहीं हूँ, अरमान कहता है। अच्छा ठीक है, फिर आगे चलकर अगर आप मुझे कभी चीट करते भी हैं तो मुझे खुद को पकड़ने मत दीजिएगा, तनुजा कहती है। मुझे शक है कि तुम्हें कभी इस चीज का मौका मिल भी पाएगा या नहीं। तनुजा की जीभ तक छिल चुकी थी और वो बहुत बुरी तरह थक भी चुकी थी, पर फिर भी वो उस आर्गुमेंट में अरमान से जीत नहीं पाई, इसलिए वो जल्दी से टॉपिक बदल देती है। क्या तुमने अभी तक मेरे बारे में अपनी माँ से बात की है? तुम्हारी होने वाली सास ने तुम्हें पहले ही अपना लिया है, किसी और दिन मैं तुम दोनों को एक साथ डिनर के लिए भेज दूंगा, अरमान मुस्कुराते हुए कहता है। तुम्हारी माँ है तो बहुत अच्छी। वैसे तो अपनी आखिरी मुलाकात के बाद अरमान की माँ तनुजा को अच्छी लगती थी, पर फिर भी उसे ये बात सुनकर हैरानी जरूर हुई थी कि वो उस रिश्ते के लिए अरमान को सपोर्ट कर रही थी, जबकि उनके खुद के पिताजी ही इस रिश्ते के खिलाफ थे। तुमने आखिर ऐसा क्या ही कह दिया है अपनी माँ से कि वो इस कदर हमारे इस रिश्ते के हक में हो गई,
तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अरमान मुस्कुराते हुए कहता है। ये सुनकर तनुजा बिना आसपास खड़े लोगों का बिल्कुल भी ख्याल करे अरमान को हक कर लेती है। इस बार अरमान उसे एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। वहाँ का खाना बेहद ही स्वादिष्ट था और फेमस भी। दूर दूर से लोग वहाँ खाना खाने आते थे। तनुजा तो बस वहाँ के खाने की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आप मुझे इस सब की आदत डलवा देंगे। मैं तुम्हें जानबूझकर आदत डलवाना चाहता हूँ ताकि मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हें अफोर्ड ही ना कर पाए और तुम किसी और के साथ कभी खाना खाने ना जा पाओ। ये सुनकर तनुजा का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो शर्म के मारे लाल हो जाती है। आप दोबारा से मीठी मीठी बातें करने की कोई किताब पढ़ रहे हैं क्या? तनुजा मुस्कुराते हुए अरमान से पूछती है।